चलो सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मींस एंड सैकेराइड माने सो दिस विल बी कंपोज्ड ऑफ मेनी शुगर्स, इट विल हैव मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब अकल लगा के बताओ कि ये सारे मल्टीपल यूनिट्स जो है ना मोनोसैकेराइड्स के, वो एक दूसरे से जब अटैच होंगे तो कौन से बॉन्ड से अटैच होंगे? They will be attached by glycosylate bonds only. Same bond रहेगा ना, bond थोड़ी change हो जाएगा, समझ रहे? Bonds will still be same. Now when we talk about polysaccharides, इनके properties क्या होंगे? उसमें हमने देखा कि वो जो monosaccharides और disaccharides होते हैं, they are sweet to taste. This will be tasteless. They were soluble in water. This will be insoluble in water. They were crystalline. This will be amorphous. कहते बेटा powdery. Amorphous मतलब क्या है? Powdery. Talcum powder सारका सिंह. Talcum powder में देखा है? Bonds. इसके अलावा वहां पे हमने बोला था कि जो यूनिट्स होते हैं वो हाइड्रोलाइजेबल होते हैं या तो नॉन हाइड्रोलाइजेबल होंगे, है ना? yes. ये क्या होगा श्रेयस, हाइड्रोलाइजेबल या नॉन हाइड्रोलाइजेबल? नॉन हाइड्रोलाइजेबल। पुष्कर, प्रसन्न, पॉलीसैक्राइड्स विल बी हाइड्रोलाइजेबल या फिर नॉन हाइड्रोलाइजेबल? चल चल फटाफट, टाइम नहीं अपने पास। अमय, दक्ष, हाइड्रोलाइज़, कासे, हाइड्रोलाइज़, रिद्धि भाई हाइड्रोलाइज़ेबल बेटा। अगर इसका आंसर दे दी मतलब तू घर पे पढ़ रही है। Why hydrolyzable? Shishti, why hydrolyzable? Because it is? Diksha? Should be hydrolyzable or non-hydrolyzable? Pratiksha? Why? They are thick down in water. Why hydrolyzable? वो बॉन्ड बना के बड़ा बन रहा है ना, तो बॉन्ड टूट सकता है ना पानी की मदद से। अरे गवारो, अपन लास्ट सेक्शन में क्या देखे, ये ऐसे तुम्हारा ग्लूकोज था ना, ऐसे था ना ग्लूकोज कुछ, यस और नो? और इसमें ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनने के लिए पानी निकला था, हो कि ना? अब जैसे ही पानी डालूंगा तो ये टूटेगा ना, मोनोसैकेराइड में बॉन्ड बना था क्या? नहीं। तो कैसे टूटेगा? यहाँ पे बॉन्ड बनाते समय पानी निकला था तो पानी वापस ऐड करूंगा तो टूटेगा ना। इसमें भी एक बड़ा सा चेन बन रहा है तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड विल बी जॉइनिंग टूगेदर बाय ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, तो कैन आई ब्रेक इट डाउन? Yes. अरे भाई, yes. अगर किसी कपड़े को सिलाई मारा है तो सिलाई खोल पाएंगे ना, yes. लेकिन सिलाई नहीं मारा है तो खोलने का क्या, yes. अकल चल रहा है क्या? yes. ये वही बोल रहे ना, इसको क्या किया हमने, पानी निकाल के जॉइन किया, तो अभी वापस पानी डालूंगा तो टूटेगा ना, yes. नहीं टूटेगा? तो अगर डाइसैकेराइड्स में रहे तो पॉलीसैकेराइड में भी सेम होगा ना, yes. तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी हाइड्रोलाइजेशन। Are we clear? Yes. इसके अलावा जब हम पॉलीसैकेराइड्स का बात करते हैं, मल्टीपल यूनिट्स जब बोलते हैं ना, मेक श्योर दैट यू ऑल्सो नो दैट इट इज पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। पॉलीमर म्हणजे काय? चेन। पॉलीमर म्हणजे चेन। तो फिर एक लौता रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? मोनोमर। सो मोनोसैकेराइड्स का चेन बना, सो मोनोसैकेराइड्स का चेन विल बी पॉलीमर।
सिर्फ मोनोसैकेराइड विल बी मोनोमर करते हैं yes. कि ना है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आगे जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब समझेगा तुम चलो आगे दिस कैन बी क्लासिफाइड फर्दर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यानी कि अगर सेम टाइप का मोनोसैकेराइड लग रहा है सेम टाइप का मोनोसैकेराइड अगर लग रहा है ना तो उस टाइप के पॉलीसैकेराइड को हम कहेंगे होमो होमो मंजे पॉली सैकेराइड यानी सेम टाइप के मोनोसैकेराइड का लंबा सा चेन विल बी कॉल्ड एज होमो पॉली सैकेराइड ठीक है अब इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं The first example that we have over here is cellulose. नाम तो सुना होगा सेल्यूलोज जो होता है ये कहां पे दिखाई देता है अपने को किसका सीन एंड सेल वॉल ऑफ प्लांट्स ये जो सेल्यूलोज होता है ना ये ग्लूकोज का चेन होता है इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज इट इज लीनियर लीनियर मुझे क्या है स्ट्रेट रहेगा ठीक है मतलब इसका जो चेन है ना वो चेन कुछ ऐसा दिखाई देगा अपने को ऐसा हाउएवर इसका जो चेन है ना उसमें दोनों सैकेराइड के बीच में बीटा लिंकेज दिखता है बीटा लिंकेज याद है यस ऐसे था सो आई कैन से कि ये लिंकेज कुछ ऐसे हो सकता है Yes or no? Yes. आसान? That's cellulose. इसके अलावा एक और example है, which is starch. नाम तो सुना होगा? Yes. क्या करता है ये starch? Starch किधर दिखता है? Potato. So basically it is stored food in जोर से बोलो प्लांट्स तो डरते क्यों इतना इट इज स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स जब हम स्टार्च का बात करते हैं ना ये भी ग्लूकोज का चेन है ग्लूकोज का एक लंबा सा चेन होता है स्टार्च ठीक है और ये काइरल स्ट्रक्चर दिखाता है काइरल म्हणजे काय स्प्रिंग सारखं म्हणजे ह्याचं स्ट्रक्चर असं असेल कळते स्प्रिंग सारखं स्ट्रक्चर असणार आहे याचं आणि स्प्रिंग सारखं स्ट्रक्चर असल्यामुळे हा इतकाच असा शुगर आहे जो आपल्याला पॉझिटिव्ह आयोडीन टेस्ट देतो आता पॉझिटिव्ह आयोडीन टेस्ट म्हणजे काय म्हणजे लेट्स से की सिद्धायनी हॅज बिकम अ डॉक्टर और आदर्श इज प्रिपेरिंग फॉर मेडिसिन ठीक आहे अँड आय गेव हर अ सॅम्पल मैं एक सॅम्पल दिया उसको और मैंने सिद्धायनी को बोला कि इस सॅम्पल में मुझे तुम चेक करके बताओ कि पेशेंट के यूरिन सैंपल में मतलब वो यूरिन सैंपल लेट्स से अब मैं उसको बोल रहा हूं कि ये सैंपल और मेरे को देख के बताओ टेस्ट करके बताओ इसके अंदर स्टार्च है या नहीं तो वो कैसे कर सकती है वो यूज करेगी स्टार्च और वो यूज करेगी आयोडीन अब इसमें आयोडीन का क्या सीन होता है नॉर्मली आयोडीन ऑरेंजिश ब्राउन कलर का होता है ठीक है नॉर्मली आयोडीन जो होता है ऑरेंजिश ब्राउन कलर का होता है अब कोई भी केमिकल पे तुम आयोडीन डालो कोई भी शुगर पे तुम आयोडीन डालो आयोडीन उसका कलर चेंज नहीं करता लेकिन जैसे वो स्टार्च के कांटेक्ट में आता है ना उसको मजे आ जाते हैं तो वो पूरा नीले रंग का हो जाता है इट कंप्लीटली गेट्स कन्वर्टेड टू ब्लू कलर व्हेन अ सैंपल टर्न्स ब्लू इन कलर ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन दैट मीन्स द सैंपल इज हैविंग स्टार्च समझा यस एक बार फिर से देखते क्या बोला मैं क्या किया हम लोग ने सैंपल लिया उसमें आयोडीन डाला आयोडीन डालते ही कलर आयोडीन का चेंज हो गया ओरिजिनली आयोडीन का क्या कलर था ऑरेंजिश ब्राउन था अब कलर चेंज हो गया इनटू ब्लू तो ब्लू कलर क्यों कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये जो आयोडीन रहता है ना वो इसके स्ट्रक्चर में अंदर फंस जाता है आयोडीन जो रहता है वो स्टार्च का ये जो कर्व्स है ना उस कर्व के अंदर फंस जाता है और फंस जाने की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है समझे कि नहीं yes.
Everyone? Yes. Any doubts? No. इस वजह से सिर्फ और सिर्फ स्टार्च ही पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है, करते कि ना है? Yes. अब इस पे ना एम्स में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था असर्शन एंड रीजन वाला, जहाँ पे उन्होंने डाला था कि असर्शन था दैट सेल्यूलोज डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, और नीचे रीजन लिखा था सेल्यूलोज हैव लीनियर स्ट्रक्चर, विच इज करेक्ट. सेल्यूलोज हैव लीनियर स्ट्रक्चर इज करेक्ट. That do not give positive test is also correct. Yes. Will reason be correct for assertion? No. Yeah. Yes. Reason is correct for assertion. Cellulose does not give positive iodine test because it has linear structure. पूरे statement का मतलब बना? Means reason is correct for assertion. बराबर. फिर एक बार ये पूछा गया था कि starch gives positive iodine test whereas cellulose does not. नीचे reason दिया था that starch have chiral structure. Both are correct. Yes. And reason is also correct for assertion. Are we clear? Yes. करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, समझ रहा है? Yes. चलो आगे. Yes. इधर नीचे लिखो, दिखेगा पीछे नहीं कौन था श्रद्धा, नहीं दिखता इसके अलावा एक और हमारे पास एग्जाम्पल आ सकता है विच इज ग्लाइकोजन. सुना है क्या करता है ये ग्लाइकोजन? इट विल बी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स. अकल लगा के बताओ, जो फाउंडेशन में बैठे थे उनको पता होना चाहिए, ये कर चुके हैं हम. एनिमल्स में ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कहां पे होता है हमारे बॉडी में? वेयर इन आवर बॉडी इज ग्लाइकोजन फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड? कौन बोला पहले वो बताओ, फिर बोलेगा मैंने बोला मैंने बोला ये बोला ये बोला. लिवर इज करेक्ट. हाँ मतलब फायदा हो तो सबका ही हो. लिवर इज करेक्ट. हमारे लिवर में ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, सो दिस इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बट दे हैव ब्रांच्ड चेन. ब्रांच्ड चेन म्हणजे काय असणार इकडे? ब्रांच्ड चेन म्हणजे ये ऐसे अगर ग्लूकोज लगाया गया है ना तो इधर एक और ग्लूकोज ऐसे लग जाता है, फिर ग्लूकोज ऐसे लगेगा. समझ पा रहे? तो ये ब्रांचेस हुए ना, इसलिए उसको कहते हैं ग्लाइकोजन हैज ब्रांच्ड चेन. इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया है अपने को. इसको अगर हम ध्यान से देखें ना स्ट्रक्चर को, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा. This will be first carbon, fourth carbon, first carbon, fourth carbon, fifth and sixth, sixth is CH2OH. बरोबर है? कुछ ऐसे रहेगा. अब हमको पता है कि linear chain जो रहता है that will be attached by Which type of glycosidic bond? Alpha. So, इसका जो linear chain है ना, that will be alpha 1,4 glycosidic linkage. लेकिन जब branch का बाद आता है, दिख रहा है ये branch? तो branch में first carbon will get attached to the sixth carbon, and this will also be अल्फा लिंकेज. सो दिस विल ब्रांच के लिए होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. याद रखना ये चीज, ये काफी सारे रेफरेंस बुक्स में भी है, तुम्हारा एमटीजी में भी इस पे क्वेश्चन फ्रेम्ड है. ठीक है? ठीक है. Yes. समझ पा रहे? Yes. अब तो चल रहा है. Yes. I forgot your name. राजवर्धन. हाँ समझ रहा है, आपका भी फर्स्ट लेक्चर है ना आज. नाम क्या है? सुमेर. समझ रहे? कुछ तो हो रहा है. वीडियो लेक्चर देख लियो एक बार. नाव क्या है? हाँ दिसते है कबूल करते का इतरी डोस कैश करते आप लगा रिवाइज करना ले लिए ना है अशिताली. हाँ
रुक जा, नहीं नहीं है ना, थोड़ा भाई बाद में बात करते, एक दो महीने के बाद भाग जाएगी ना श्रुति। चल या आर वी क्लियर? ब्रांच्ड अनब्रांच्ड समझे कि जो ग्लाइकोजन होता है ना उसका स्ट्रेट चेन तो बनता ही है लेकिन साथ में ऐसे ब्रांचेस भी आते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है काफी बार, ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको इधर वेज। तो ये वाला बॉन्ड विल बी अल्फा 16, ये वाला बॉन्ड विल बी अल्फा 14, गलत है, आसान। चलो 16 और 14 कैसे बना वो दिखाया तुम। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आता है समथिंग कॉल्ड एज काइटिन, नाम तो सुने होंगे, काइटिन एस अब भी जस्ट बताया, इट इज सेल वॉल और फंगाई, इट विल बी सेल वॉल ऑफ फंगाई एंड दिस विल बी कंपोज्ड ऑफ व्हाट, इट इज कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, काफी बारी इट इज ऑल्सो रेफर एज ग्लाइकोसामाइन, ठीक है, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल, इन्यूलिन। सर इन्यूलिन क्या होता है? इंसुलिन एकले, इन्यूलिन नहीं एकले तरी, है ना, ये नया नया है हमारे। इन्यूलिन जो होता है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ पॉलीसैकेराइड और इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का चेन होता है। अब इन्यूलिन और इंसुलिन में डिफरेंस क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन होता है जबकि इन्यूलिन एक होमोपॉलीसैकेराइड है, मतलब पॉलीसैकेराइड शुगर है वो। अब जब हम इन्यूलिन का बात करते हैं ना, ये हमको किस प्लांट से मिलता है? रताड़ू भाई थे सर, है ना, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद ही कहते हैं ना, जो भी रताड़ू मराठी मरता कहना भावना पोसली ना। स्वीट पोटैटो को देखा है कभी जिंदगी में? एग्जैक्टली कुछ वैसा ही दिखने वाला एक फल होता है जिसे हम कहते हैं दालिया, DAHLIA, दालिया, ठीक है। अब दलिया भी दो प्रकार, तीन चार प्रकार के होते हैं, बट दलिया जो रताड़ू जैसा, मतलब स्वीट पोटैटो जैसा दिखता है, ठीक है। ये जो दलिया होता है ना उसके अंदर स्टार्च स्टोर होना चाहिए बिकॉज प्लांट प्रोडक्ट है, स्टार्च की जगह पे इन्यूलिन स्टोर करता है। इसका फायदा क्या है? इन्यूलिन फ्रक्टोज से बना है, सो इट इज स्लाइटली स्वीटर टू टेस्ट बिकॉज फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर एंड दैट्स व्हाई इट इज स्लाइटली मोर स्वीट टेस्ट, टेस्ट में थोड़ा स्वीट होता है। अब जिस भी लोगों को डायबिटीज होता है ना उनको स्वीट खाने का बहुत शौक होता है, ठीक है, मतलब उनको मना ही है ना तो सबसे ज्यादा उनको ही खाना होता है। अगर घर पे कोई डायबिटिक पेशेंट रहेगा तो पता होगा ये चीज तुमको, ठीक है, कि उनको मना होता है स्वीट खाने का लेकिन स्वीट उनको ही खाना होता है। तो डॉक्टर ना उनको ये दलिया खाने को बोलते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो दलिया में इन्यूलिन रहता है जो स्वीट टेस्ट रहता है। लेकिन सर फिर उससे ग्लूकोज बढ़ेगा ना? नहीं भाई, तो फायदा है कि जब बंदे खाते है ना इसको तब हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। क्यों सर? क्योंकि इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए ना वो हमारे बॉडी में होते ही नहीं, तो तुम खाओ तुम्हारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। टेस्ट मिल गया स्वीट वाला, तुम्हारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं किया और तुम्हारा किडनी उसको ऐसा का ऐसा बाहर यूरिन में निकाल दिया विदाउट तोड़े। ये तो मजेदार चीज हो गई, फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड, इन्यूलिन किडनी जो होता है वो इन्यूलिन को ऐसा का ऐसा बाहर फेंक रहा है, तो इन्यूलिन इज ऑल्सो यूज फॉर RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल मंजे किडनी, किडनी बराबर से काम कर रहा है या नहीं ये जानने के लिए इन्यूलिन का इस्तेमाल भी किया जाता है काफी बार, ठीक है। अब तो नहीं करते हम, पर पुराने जमाने में करते थे ये चीज कि जब इंसान अगर इन्यूलिन खा रहा है तो देखते थे कि यूरिन में इन्यूलिन निकल रहा है या नहीं। अगर यूरिन में इन्यूलिन निकला मतलब उसका किडनी बराबर से काम कर रहा है, नहीं निकला और ब्लड में ही घूम रहा है मतलब उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, समझा? तो ये सब चीजें तुमको नीट के लिए नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया बिकॉज ये टर्म पहली बार ही सुन रहे आपने, तो बताया कि ये होता क्या है, समझ पा रहे? एवरीवन सारा भाई नहीं उसका शीट देखना है,
समझा कि नहीं? बाहर इसलिए नहीं निकाला तुम लोगों को ताकि तुम्हारा और ज्यादा मिस ना हो, तीनों का ऑलरेडी काफी चीजें मिस हो चुकी है, समझ पा रहे? एवं सर गौरव इन यू लिंग शॉर्ट ये सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं तुम्हारे होमोपॉलिस एंटीरो पे चले। सो यू हैव नेक्स्ट विच इज हेटेरो पॉली सैक्राइड। सिद्धि आली है इसका हेटेरो पॉली सैक्राइड म्हणजे काय? So this will be a chain of different types of sugar. And it will have different types of monosaccharides. Different types of monosaccharides. So इसमें examples क्या क्या हो जाएंगे? इसमें पहले example तो will be peptidoglycan. नाम तो सुना हमने। इसमें दो type के sugar होते हैं। कौन से बताओ? NAM and NAC. NAM का full form? N-acetylglutamic acid. और NAC का? एक और एग्जांपल है यार यूरोनिक एसिड सुने? यार यूरोनिक एसिड भी काफी सारे अलग अलग शुगर के कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है? सॉर्टेड है? एनी डाउट्स? पूरा समझा? पक्की बात? आगे जाओ तो चलेगा या पहले इतना लिखना है? चलो ठीक है। जब हम पॉलीसैकेराइड्स का बात करते हैं ना, लेट्स से ऋतुराज को मैंने एक सैंपल दिया अगेन, ठीक है? मैंने उसको ब्लड सैंपल दिया इस वक्त और मैं बता रहा हूँ कि इस ब्लड में चेक करके बताओ कि ग्लूकोज है या नहीं, शुगर है या नहीं, वो चेक करके बताओ। बिकॉज हम करेंगे ही ना आगे जाके, सब सीखेंगे ही हम कि ब्लड में ग्लूकोज है या नहीं, ब्लड में शुगर है या नहीं। तो मैंने उसको ब्लड सैंपल दिया और उसको बोला कि इसमें से चेक करके बताओ कि ये है कि नहीं, शाम तक रिपोर्ट रेडी होना चाहिए पेशेंट आने वाला लेने के लिए। तो बोला ठीक है, ठीक है। हम अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रख सकते, छूट ही जाती है बाय डिफॉल्ट। हाँ तो सपोजिटली उसे टेस्ट करना कि जो सैंपल दिया गया है उस सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, दैट इज बेसिकली शुगर है या नहीं। इसके लिए वो क्या करेगा? इसके लिए वो दो टेस्ट का इस्तेमाल कर सकता है, या तो वो यूज करेगा बेनेडिक्ट्स टेस्ट या तो वो यूज कर सकता है फेलिंग्स टेस्ट। पहले ये टेस्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं, ये टेस्ट कैसे होता है वो थोड़ी देर के बाद समझाता हूं, जगह चाहिए उसके लिए, ठीक है? और कॉन्सेप्ट थोड़ा हैवी है तो पहले लिख लेना फिर हम करते हैं। जब हम बेनेडिक्ट्स टेस्ट कहते हैं ना, इस टेस्ट में एक सोल्यूशन आता है रेडीमेड सोल्यूशन जिसमें होता है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट है उसके अंदर हमको पता है कॉपर सल्फेट क्या होता है, कौन से कलर का होता है? ब्लू। तो ये सोल्यूशन कौन से कलर का होगा? ब्लू। आसान। चलो नेक्स्ट फेलिंग सोल्यूशन यूज कर सकते हैं जिसमें होता है FeSO4। फेलिक सल्फेट कौन से कलर का होगा? ये ग्रीनिश कलर का ऑलमोस्ट। अब अगर सैंपल के अंदर शुगर प्रेजेंट होगा, अगर सैंपल के अंदर शुगर होगा ना तो वो इस कॉपर को रिड्यूस करेगा, अगर ये टेस्ट यूज किया तो, और अगर ये वाला टेस्ट यूज किया तो आयरन को रिड्यूस करेगा, समझे कि नहीं? आई रिपीट, सपोज मैंने उसको ब्लड सैंपल दिया और ब्लड सैंपल के अंदर उसने दो ड्रॉप डाला बेनेडिक्ट्स का, अगर वो बेनेडिक्ट्स ने कलर चेंज किया That means उसमें शुगर है, नहीं चेंज किया यानी शुगर नहीं है। आसान। अब मैं ये बता रहा हूं वो कलर इसलिए चेंज होता है क्योंकि उसमें कॉपर को रिड्यूस किया जाता है, समझे कि नहीं? कॉपर को रिड्यूस किया जाता है, इस वजह से सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, समझ पा रहे कि बाउंसर जा रहा है? पुष्कर नहीं समझा? नहीं समझा पक्का? श्रेयस उदय पक्का? और ये तेरा शुगर होता है ना, ऐसे शुगर का जो फर्स्ट कार्बन होता है, इस फर्स्ट कार्बन में H और OH होता है, इस फर्स्ट कार्बन के पास पावर होता है कि वो कॉपर को रिड्यूस कर दे, समझी?
तो अगर तेरा कॉपर रिड्यूस हुआ तो ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे कलर में, जैसे कलर चेंज हुआ तो हम बता सकते कि शुगर है, समझ पा रहे? ये तो अगर बेनेडिक्स यूज किया तो, अगर फेलिंग्स यूज किया तो कलर चेंज हो जाएगा रेड में, इट विल गेट इंटेंसिफाइड, यानी कि जितना ज्यादा शुगर उतना ज्यादा, जितना कम शुगर उतना कम रेड, आसान? Yes. समझ पा रहे? Yes. Any doubts? No. अच्छा, इसमें कलर चेंज जो होता है वो ग्रेडियंट में होता है, अगर कलर ग्रीन में हुआ, ब्लू कलर था ना, अगर ग्रीन कलर में हुआ यानी 0.5% शुगर है उस सैंपल में, अगर येलो कलर हुआ तो उसके अंदर 1% शुगर है, अगर ऑरेंज कलर हुआ तो 1.5%, और अगर रेड कलर हुआ तो इट विल बी मोर देन और इक्वल टू 2%। अंडरस्टूड? ये हमें याद रखना होगा क्या सर? नहीं, नीट में ये नहीं आएगा, ये याद रख लेना खाली, बाकी ये सब कुछ नहीं आएगा। तो आप क्यों बता रहे सर? फॉर योर इंफॉर्मेशन, तुम जब क्लासेस कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में तुमको ये आएगा, नहीं आया तो डिग्री के फर्स्ट ईयर में ही आएगा, समझ पा रहे कि नहीं? आर वी क्लियर? यस। अब क्वेश्चन आइजेस कि ये इसको रिड्यूस कर रहा है, ये ऐसा चेंज कर रहा है, वो कैसे है? और ये क्या मैकेनिज्म है? तो मैकेनिज्म विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल। यहां तक क्लियर है? Yes. कि टेस्ट परफॉर्म किया हमने, दो टेस्ट कर सकते हैं, या तो ये और यू कैन परफॉर्म दिस आल्सो। ये वाले टेस्ट में कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, ये वाले टेस्ट में FeSO4 का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर अगर हुआ तो वो कॉपर को रिड्यूस करेगा यहाँ पे, नहीं तो वो आयरन को रिड्यूस करेगा। आसान? लिखे इतना, क्विकली राइट डाउन फटाफट। दिमाग में था पता है, सच में। जब दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज ग्लूकोज, उसके फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल, फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल, बराबर? ध्यान से देखना, ठीक है? कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत ईजी है, और इतना डिटेल तुमको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, उन्होंने खाली बता दिया कि ये है बस, तुमको थोड़ा डिटेल में बता रहा था कि वो लाइन और वो स्टेटमेंट समझने में आसानी हो जाए तुमको। ये ऐसे है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ना फंक्शनल ग्रुप वाला ऑक्सीजन है, विच इज कीटोन या फिर एल्डिहाइड। ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला ऑक्सीजन है ना, इसका रोल क्या है यहाँ? ये इस कार्बन को पावर देता है कि वो कॉपर या फिर आयरन को रिड्यूस कर सके। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? नाउ ऑक्सीजन इज गिविंग पावर टू हू? ओनली फर्स्ट कार्बन, ओनली फर्स्ट कार्बन विच इज दिस साइड, दिस एंड ऑफ शुगर, दिस एंड ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एंड। इसे क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एंड। इस तरफ में ऑक्सीजन है क्या? तो फोर्थ कार्बन के पास ये पावर आता ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग एंड। समझे कि नहीं? आर वी क्लियर? सबको समझा? सबको समझा? यस। नक्की? यस। नहीं समझा? देख, हमने क्या बोला था कि जब सैंपल में हम कॉपर या आयरन डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। वो कलर चेंज क्यों होता है? बिकॉज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन होता है ना, वो या तो इलेक्ट्रॉन से या तो हाइड्रोजन से इनको या इनको रिड्यूस करेगा, इस वजह से कलर चेंज होता है, ठीक है? फर्स्ट कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी क्यों है और फोर्थ के पास क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट के पास ऑक्सीजन है, फोर्थ के पास नहीं है, इसलिए। आसान? चलो आगे। सो दिस इज नॉन रिड्यूसिंग एंड दिस इज रिड्यूसिंग, यानी कि अगर हमें कोई भी कॉपर या आयरन को रिड्यूस करना रहेगा, तो आई विल रिक्वायर माय फर्स्ट कार्बन टू बी फ्री। फ्री मतलब जनरली फर्स्ट कार्बन जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने में इन्वॉल्व हो जाता है, अगर वो फ्री होगा तो ही इनको रिड्यूस कर पाएगा ना, अगर फ्री होगा तो ही इसे रिड्यूस कर पाएगा, फ्री नहीं होगा तो रिड्यूस नहीं करेगा। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स,
जितने भी मोनोसैकेराइड्स है क्या उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है? मोनोसैकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा? नहीं होगा ना श्रद्धा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सिंपल यूनिट है। डाइसैकेराइड में हमने देखा ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, समझ पा रहे कि नहीं प्रतीक्षा? हमने डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड पढ़ा, वो एक शुगर है, खत्म। इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहीं पे देखे थे? नहीं। फिर हमने देखा कि डाइसैकेराइड में दो शुगर बाइंड होते एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, है कि नहीं? तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है, फर्स्ट कार्बन इज इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन ना। क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन जो था वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा था, तो उसका ऑक्सीजन इधर इन्वॉल्व हो गया ना ऐसे, तो अब ये एंड फ्री है क्या रिडक्शन करने के लिए? तो माय आंसर इज नो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन वन वर्क। वो कार्बन ऑलरेडी एक काम में इन्वॉल्व हो चुका है, कौन सा काम? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में, समझ पा रहे? अमय, निंदार, उदय, समझ पा रहे सारे? yes. कि आंसर जा रहा है पक्का? yes. 100% yes. गौरव पक्का? yes. चलो आगे। yes. सर जितने भी मोनोसैकेराइड्स है उसमें एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा है, तो सारे मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड टू बी एज रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि सारे मोनोसैकेराइड्स कॉपर या फिर आयरन को रिड्यूस करेगा ही करेगा, इसलिए वो हो जाएंगे reducing sugar, समझे कि नहीं? yes. clear. यहीं पे अगर वो डाइसैकेराइड बनता है तो फर्स्ट कार्बन इज इन्वॉल्व्ड इन रिडक्शन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो क्या ये रिड्यूसिंग होगा अभी? यस इट विल स्टिल रिड्यूसिंग। कैसे होगा बताओ? ये दोनों का बॉन्ड बन गया तो अब ये एक हो गया ना, पहले ये अकेला था, अब बॉन्ड बना के ये एक हुआ ना, तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन विच इज स्टिल फ्री, शुगर इज स्टिल रिड्यूसिंग। अंडरस्टूड के नहीं? कभी कभार कोई कोई शुगर्स ऐसे है जिसमें उनके फर्स्ट कार्बन जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में, ऐसा कोई नहीं बनता, मैं खाली एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कभी कभार दोनों फर्स्ट कार्बन जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में, तो दिस इज नॉन रिड्यूसिंग एंड, दिस इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग एंड, दोनों तरफ नॉन रिड्यूसिंग एंड, तो शुगर विल बी व्हाट? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा कोई शुगर होता भी है क्या सर जो नॉन रिड्यूसिंग हो? हाँ बहुत सारे है, हम इसके सिर्फ दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, पहला स्टार्च और दूसरा सुक्रोज। स्टार्च और सुक्रोज कभी भी पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट नहीं देते, और पॉजिटिव बेनेडिक्स या फिर फेलिंग्स टेस्ट नहीं देंगे, अनलेस इसको तोड़ेंगे, इसको बिना तोड़े वो कभी भी अपने को पॉजिटिव कार्बोहाइड्रेट टेस्ट नहीं देगा, ना बेनेडिक्स ना फेलिंग्स, समझ पा रहे? yes. यानी कि अगर सपोजिटली अगर सपोज हर्ष का ब्लड मैंने लिया और हर्ष के ब्लड में सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो मैं कितना भी बेनेडिक्स डालू ना वो कलर चेंज करेगा नहीं, और मेरे को लिखा उसके अंदर शुगर ही नहीं है, शुगर ही नहीं है, शुगर ही नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है, शुगर तो है, तो हम क्या करेंगे? पहले इस सुक्रोज को तोड़ना पड़ेगा या इस स्टार्च को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके पास एक्चुअली कोई शुगर है या नहीं, समझ पा रहे कि नहीं? आर वी क्लियर? डिड वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर और नॉट? हमारे एनसीईआरटी में ना खाली एक ही लाइन में उन्होंने खत्म किया है, वो बताते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका राइट हैंड साइड इज ऑलवेज रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज नॉन रिड्यूसिंग। दोज शुगर्स हु हैव देयर रिड्यूसिंग एंड फ्री आर रिड्यूसिंग शुगर, अदर्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, खत्म। अब इसमें हमको क्या पता चलेगा कि क्या रिड्यूसिंग क्या नॉन रिड्यूसिंग? सो आई हैव ब्रोकन डाउन द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन यू ऑल इन डिटेल कि एग्जैक्टली क्या होता है। आई होप समझा तुमको? yes. सबको? yes. पक्का? yes. कोई डाउट? no. श्रुति सर डाइसैकेराइड उसका कोई संबंध? डाइसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को समझा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे हुआ वो नहीं समझा? देख
ये ऑक्सीजन है और ये फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे, ये फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, इसका फर्स्ट कार्बन भी इधर ही है ना, वो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, तो इसके दोनों एंड, ये एक एंड हुआ शुगर का, ये शुगर का दूसरा एंड, इज इट हैविंग अ रिड्यूसिंग एंड ओवर हियर, यहाँ पे रिड्यूसिंग एंड है ये वाला, क्यों ना बोल रहे अपन, ऑक्सीजन नहीं है ना, फर्स्ट कार्बन भी नहीं है, सो दिस विल बी नॉन रिड्यूसिंग एंड, इस तरफ देख, क्या ये रिड्यूसिंग एंड है, ये भी नॉन है, तो दोनों ही फ्री एंड जो है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बना रहे, वो दोनों ही एंड नॉन रिड्यूसिंग वाले है, तो शुगर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग, समझी कि नहीं, बिकॉज इसके पास ऑक्सीजन नहीं है ना, जो उसको बताया कि चल भाई रिड्यूस कर, इसके पास था लेकिन वो दोनों अपने में ही मस्त है, देख ही नहीं रहे आसपास कहीं पे, समझ पाए कि नहीं, आसान, एवरीवन, एनी डाउट्स, नक्की लिखे, एक्सप्लेन कर पाएंगे खुद से, चलो एक्सप्लेन करो खुद से और कंप्लीट करो, विद दैट वी एंड अप विद द कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, टुमारो वी विल गो अहेड विद प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिवाइज करके आना, कर कुछ डाउट रहेगा तो विल सॉल्व इट, मियोसिस जैसा मत करना, पूरा हो जाने के बाद बोल रहे कुछ नहीं आता है करके,